सर एंड टीचर्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एंड मिस्टर मी हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस ट्रेनिंग ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी इज अ फुली ऑटोमेटेड एंड कंप्यूटराइज सिस्टम इंक्लूड टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोज, ऑडियोज एंड एनिमेशन। सो लाइब्रेरी पूरी तरह ऑटोमेटेड होनी चाहिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे और स्कूल लेवल पे। हमारा इंडिया अगर डिजिटल है तो पूरी तरह मतलब जो भी है लाइब्रेरी अपना ऑटोमेटेड होनी चाहिए। लाइब्रेरियन प्रोवाइड करता है सारे जो डेटाबेस होते हैं इंफॉर्मेशन को, स्टूडेंट को, टीचर्स को, सारे एक्टिविटी यानी किताबों का जो भी अपना है, टाइटल, ऑथर, बहुत सारे बिब्लियोग्राफी है, इंसाइक्लोपीडिया है, बहुत सारे और भी बुक्स होते हैं जो प्रोवाइड किया जाता है लाइब्रेरियन के द्वारा। सिस्टम जो है इन ड्राइवर सिस्टम, सर्चिंग एंड डेटाबेस सारे बच्चों को लाइब्रेरियन के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। और हमारे यहाँ कुछ बुक जो है पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन होता है किताबों का, है ना, एक साल दो साल में वेरीफाई होता है किताबों का। और सारा इंफॉर्मेशन डेटाबेस को NIC नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम को मतलब कनेक्टेड होता है लाइब्रेरी का। इंप्लीमेंट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क होते हैं जो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क होता है। और जो लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी का जो भी डेटाबेस है सब कुछ मतलब अपने में कनेक्टेड होते हैं। ये एक इंटरनेट सेवा है। डिजिटल लाइब्रेरी मीन्स सर्चिंग, रिट्रेवल, सब कुछ मतलब अपने आप मतलब डिजिटल ऑटोमेटेड फुल्ली पेपरलेस लाइब्रेरी, इंटरनेट लाइब्रेरी की जाते हैं। सो हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर लाइब्रेरी। कहने का मतलब है कि भविष्य में पहले की जो बात हुई कि ना डिजिटल है तो पूरी तरह डिजिटल होनी चाहिए लाइब्रेरी, जो बच्चे मतलब घर बैठे अपना बुक पढ़ सकते हैं, है ना, अपने आप बुक मतलब सर्च करके कौन सा बुक लेना है वो एक्सेस करके मतलब अपने बुक पढ़ सकते हैं। ऐसे मतलब लाइक मतलब अपनी इच्छा के अनुसार अपना कंप्लीट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। द फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड फॉर्म ऑफ सर्विस हैज बीन चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड विद द एडवेंट ऑफ द न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। नए नए टूल्स के माध्यम से, नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्कूल के बच्चे, टीचर्स, है ना, वो अपना स्टडी कर सकते हैं घर में बैठे हुए। नेक्स्ट, कंसेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। द डिजिटल लाइब्रेरी इज मोस्ट रिसेंट टर्म बीइंग यूज्ड फॉर द लाइब्रेरी विदाउट बुक्स, लाइब्रेरी हैविंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट एंड प्रोवाइडिंग एक्सेस इन द डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट डॉक्यूमेंटेशन सारे डिजिटल होनी चाहिए। बच्चों का लाइब्रेरी कार्ड होता है तो बच्चों को लाइब्रेरी कार्ड में जो भी है इसका रोल नंबर है, क्लास है, सब कुछ मतलब इसमें रिटर्न होता है। तो बच्चे इसे बार कोड के माध्यम से, स्कैन के माध्यम से मतलब घर में बैठे हुए अपना सब कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, बुक इशू करवा सकते हैं। डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू लेस बिलोंग टू डिजिटाइज एंड ऑर्गेनाइज एंड विच ऑफर्स कैपेबिलिटी बियॉन्ड दोज ऑफ ट्रेडिशनल लाइब्रेरी। ट्रेडिशनल लाइब्रेरी में परंपरागत है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रिफिन एंड ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया कंटेंट्स, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियोज़,
animation. This is multimedia contents. With the information management method that represents the data is full information and knowledge to people in a variety of social and organization contexts. Any doubt? Any? All the questions? Okay, thank you. Meaning of digital library. क्या मतलब होता है डिजिटल लाइब्रेरी का? है ना? डिजिटल लाइब्रेरी आर दोज लाइब्रेरीज व्हिच आर फुल्ली ऑटोमेटेड. फुल्ली ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पेपरलेस लाइब्रेरी. मतलब किसी तरह मतलब रिटर्न की जरूरत कुछ नहीं होगा. सारा सिस्टम जो भी वर्क होगा आपका सिस्टमेटिक होगा, सिस्टम पे ही होगा आपका. एंड ऑल रिसोर्सेज आर इन अ डिजिटल फॉर्म एंड द एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन available is provided to a remote user as well as conventional user electronically. Yes, sir. Yes, sir. Sir, एक किसी के डिजिटल लाइब्रेरी बच्चा हमने पढ़ा गया वो लाइब्रेरी को तो चला जाएगा ना. लाइब्रेरी को कोई आने की जरूरत नहीं है लाइब्रेरी सर. लाइब्रेरी आप जैसे कोई नहीं आएगा ले तो बिल्कुल सर लाइब्रेरी का जाएगा वो सिस्टम पे अवेलेबल नहीं कर पाएगा. तो सिस्टम जो एक्सेस करेगा या एक्सेस करेगा ऑटोमेटिक फॉर्म करेगा लाइब्रेरी तो करेगा ना सर. आप कर नहीं सकते हमारा यहाँ कोट बना हुआ रहेगा सर. ये आपका जॉब के बारे में भाई क्वेश्चन है. जॉब में बैठे रहेंगे तो भी होगा जी. हाँ इंटरनेट को चलाने के लिए आपको होना चाहिए ना. डैडी बोले एयरटेल. हाँ डैडी चलिए. ये कंपोनेंट्स जो अपनी दिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल इंफॉर्मेशन कलेक्शन और दृष्टि से भी देखा जाए बच्चों को अवगत कराते हैं है ना. भौगोलिक दृष्टि से एक से डेटा जो है कलेक्शन करते हैं. हाँ डेटा कलेक्शन करके हम बच्चों को टीचर्स को यानी यूजर को प्रोवाइड करते हैं. इससे बच्चों को नॉलेज बढ़ती है ऑनलाइन माध्यम से. डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटेड बाय वैरायटी ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट लार्ज एंड डाइवर्स कलेक्शन सीमलेस एक्सेस. देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी क्या विशेषता है, फीचर्स क्या है. है ना द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म जो भी स्टोरेज है ना जो भी कलेक्शन रहेगा डिजिटल फॉर्म में रहेगा. है ना यूजेज ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन जो होगा है ना नेटवर्क टू एक्सेस एंड ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. हम नेटवर्क के माध्यम से जैसे आप लोग बात करते हैं फेसबुक पे सोशल मीडिया के अंतर्गत यहाँ भी यही सिस्टम है. कंप्यूटर सिस्टम के मैंने एक लाइब्रेरी मान लीजिए कहीं और है. मान लीजिए रांची में है सत्य जेके स्कूल में. हम यहाँ है तो यहाँ से उसे कनेक्ट करते हैं. क्या ये बुक आपके पास है अवेलेबल है? ये बुक मेरे पास है नहीं बस सत्य वहाँ पे अवेलेबल है. मान लीजिए प्रेमचंद का कवर है उपन्यास वहाँ अवेलेबल हमारे सब अवेलेबल नहीं है. इससे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन की तरह हम सीखते हैं. कॉपी कहते थे कमेंटिंग और प्रिंटिंग उसी तरह से डिवाइन पब्लिक स्कूल का इंट्रो बना है. मास्टर फाइल कॉपी प्रिंटेड ये सारे ऑटोमेटेड यानी सिस्टम में होनी चाहिए. की का मतलब डेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो भी आपका है सारी व्यवस्था लाइब्रेरी में होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिव द कैप्चर. कैप्चर मतलब कब्जा करना है ना जो भी हमारा इंफॉर्मेशन है कहीं से मतलब हम अपना कब्जा कर लेते हैं इसको कैप्चर कर लेते हैं. स्टोर संग्रह करना. हम डेटा को कलेक्ट करते हैं संग्रह करते हैं ठीक है. मैनिपुलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट मैनिपुलेट मतलब होता है हम तो पूछे मैनिपुलेट हम बता रहे हैं मैनिपुलेट मतलब भरत सर वहाँ
ट्रैवल सिंगल डावर्स मैनिपुलेट मतलब चलाकी से मतलब काम करना, चलाकी से जो लाइब्रेरियन होता है अपना एक्टिविटी नहीं रहेगा तो जो भी इंफॉर्मेशन है मेन इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लेवर फॉक्स, हाँ ये होता है मैनिपुलेट। द हैव लार्ज नंबर ऑफ डेटाबेस इन सीडीएस, बहुत अधिक संख्या में जो है डेटाबेस को स्टोर करना सीडीएस। द प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर नेटवर्किंग एंड रिसोर्स शेयरिंग, अंडरस्टैंड? यस सर। टू एक्सेस मशीन रीडेबल इंटरनेशनल जर्नल, जर्नल मींस मैगजीन्स जो भी है, जर्नल में मैगजीन आता है, पत्रिकाएं छोटी होती है, मंथली मैगजीन, वीकली मैगजीन, बहुत सारे लाइब्रेरी अवेलेबल होता है हमारे सिस्टम पे रहेगा। बच्चे बड़े हॉबी से मतलब शौक से इसको पढ़ाई करते हैं, ठीक है। टू एक्सेस टू डिजिटाइज द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर बेसर एंड द स्पेस सेविंग, हमें संरक्षण खुद मतलब डिजिटाइज करना है डॉक्यूमेंट, जो जो मेन डॉक्यूमेंट है वो प्रोवाइड कैसे नहीं किया जाता है, yes. है ना, और कुछ मतलब डॉक्यूमेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, वन डॉक्यूमेंट को अंदर डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरी जगह से शेयर कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, क्या फंक्शन है डिजिटल लाइब्रेरी का? प्रोवाइड एक्सेस टू वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कलेक्शन, प्रोवाइड कर सकते करेंगे हम इसके जरिए सिस्टम के जरिए तो मतलब कंप्यूटर सिस्टम से हम प्रोवाइड कर सकते हैं या कोई चीज का भी इंफॉर्मेशन, ठीक है। सपोर्ट मल्टीमीडिया कंटेंट, मल्टीमीडिया कंटेंट को बताए है ना, नेटवर्क एक्सेसिबल प्रोवाइडेड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, यूनिक रेफरेंसिंग ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स, सपोर्ट चिल्ड्रंस सर्च एंड रिट्रीवल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, फंक्शन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज, एडवांटेजेस नो फिजिकल बाउंड्री, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, मल्टीपल एक्सेस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सेविंग द स्पेस, डिजिटल लाइब्रेरीज ये है सेव द मनी एंड सेव द टाइम। फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस गिवन बाय डॉक्टर एसआर रंगनाथन, रंगनाथन इज द फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, बिलोंग टू मद्रास चेन्नई, सियाली रामा मित्रा ऐसा रंगनाथन है ना, वो जनक कहलाते हैं हमारे फादर जो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस का, जिन्होंने भारत में पुस्तकालय के क्षेत्र में विकास किया, डेवलप किया उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। अब फादर ऑफ वर्ल्ड की बात किया करते हैं तो पैब्लो पिकासो, पैब्लो पिकासो इज द फादर ऑफ सॉरी पैब्लो पिकासो इज द फादर ऑफ पेंटिंग द वर्ल्ड, सॉरी पेंटिंग के आपके यहाँ लाइब्रेरी का सिस्टम क्या है सर? लाइब्रेरी का सिस्टम तो हमारे पास हैंड राइटिंग वाला ही है विचार, लेकिन हाँ लेकिन सर से मैंने किया है ऑटोमेटेड है, एनआईसी से कनेक्टेड है हमारा सिस्टम, लेकिन पूर्ण रूप से भी नहीं चल रहा, एनआईसी से कनेक्टेड है सिस्टम, हमारे पास प्रोजेक्टर भी लगा हुआ है, इस तरह जो कोई थी है इस तरह भी स्टार्ट होने वाला है, नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं उसको भी, काम चल रही है सर। यस सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी? वर्चुअल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी, हां वर्चुअल लाइब्रेरी एंड डिजिटल लाइब्रेरी, व्हाट वी यूज कर रहे हैं बिटवीन बोथ ऑफ, जो भी यूज कर रहे हैं वर्चुअल लाइब्रेरी सर, डिजिटल लाइब्रेरी इज वेरी इजी एंड वेरी इजी नॉट डिफिकल्ट सर, डिफिकल्ट इज दिस टाइम, यस 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 एंड माय हैंड इज वेरी फ्लेक्सिबल टाइट
Digital ability is very important for us and all around us in India. Digital library के मम्मी के घर बैठे सब कुछ मिल जाता है, घर बैठे बैंक का काम कर देता है, घर बैठे मतलब पैसा निकाल देना, सब कुछ कर देता है। ये डिजिटल इंडिया है, डिजिटल सब कुछ डिजिटल होनी चाहिए। टैक्स भी होना पड़ेगा, है ना? टैक्स भी होना पड़ेगा। यहाँ पे स्थिति इनको भी यहाँ पे स्थिति ही हवा कि एक प्लेस से दूसरा पढ़ना में ना जा पाएंगे। सर डिजिटल लाइब्रेरी सर आपके पास लाइब्रेरी या फिजिकली और वही फिजिकली आपको किसके पॉइंट या सिस्टम मत डिजिटल होती है। हां उसी सीडी में कैप्चर किया हो सीडी में या फिर कोई सर्वर है और वो सर्वर के माध्यम से आप किसी को अगर बता रहे तो वो वर्चुअल हो गया। नहीं समझे मतलब आप किसी को बता रहे हैं कि मेरे पास डिजिटल कंटेंट है और उसको डिलीवर कर रहे हैं वर्चुअली। यस सर तो दैट इज अ वर्चुअल लाइब्रेरी। तो एनसाइक्लोपीडिया किस में? थैंक यू सर। एनसाइक्लोपीडिया कम्स अंडर द डिजिटल लाइब्रेरी। राजे सर वो कहे नहीं सर। राणा सर एंड विमल सर थैंक यू सो मच सपोर्ट मी। थैंक यू डिजिटल लाइब्रेरी एंड फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पहले मैंने बता चुकी आप लोग को है ना, ये दिया हुआ है रंगनाथन साहब के द्वारा है ना। बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर्स हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द यूजर एंड लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। पुस्तकालय क्या है? एक वर्धनशील संस्था है ना। अब पुस्तकें उपयोगी हैं, पुस्तकें यूजर के लिए है, वो सब ऑर्गेनिज्म जीव बोलिए या एक संस्था वो जो भी अपना है उन्नतिशील है। हाँ उन्नतिशील ऑर्गेनिज्म जीव प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद डिजिटल लाइब्रेरी। प्रॉब्लम एसोसिएटेड इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, प्रॉब्लम एक्यूरेसी कंपेटिबिलिटी ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात किया जाए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर पैकेजेस होते हैं, कुछ पैकेजेस कॉस्टली होता है ना। तो छोटे छोटे जो लाइब्रेरी होता है उसको खरीदना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोहा की बात करते हैं, कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कोहा एंड ओसीएलसी, ओसीएलसी ओसीएलसी पर भी काम चल रहा है लाइब्रेरी में। ओसीएलसी काम चल रहा है। सेल्फ लाइफ अदर्स इशू, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी होते हैं हमारा लाइब्रेरी को ऑपरेट करने के लिए, सिस्टम को चालू करने के लिए। क्या कंक्लूजन की इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी है ना, तो इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी में बात ये भी आती है कि आपको भी डेली ट्रेंड जो हो रहा होगा उसको ऐड करना पड़ेगा है ना। मतलब जितना हमारा फास्ट पेस से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहा है, कोई टॉपिक आप जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड कहीं पे कोई चीज अगर आपका प्रयोग चल रहा है उसका कुछ रिजल्टेंट आता है तो यू हैव टू ऐड दैट आल्सो एंड ऑन अ डेली बेसिस उसको अपडेट करना पड़ेगा है ना सर। विदाउट अपडेशन डिजिटल लाइब्रेरी इज टोटली फेलियर, बिकॉज अगर हम डेली ट्रेंड्स को अगर नहीं पकड़ेंगे, इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो शायद कोई डिजिटल लाइब्रेरी में क्यों पड़ेगा अगर आपको वहाँ से कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिले है कि नहीं सर। तो आपको एकदम स्पेस को एकदम पकड़ के ही चलना पड़ेगा। एक्टिव है ना सर, जैसे आप यहाँ पीटीआई में एक्टिव है समझ रहे शाम को उसी तरह से सिस्टम पे जो लाइब्रेरियन है सिस्टम पे तो भाई को अपना एक्टिविटी तो अपना देखते रहेगा सिस्टम पे एक्टिविटी कहाँ वो सही बात वो देखना पड़ेगा सर।
और कोई नया चीज का अगर कहीं कुछ खोज हुआ है कुछ जुड़ा है तो अपने प्रोजेक्ट में उसको भी जोड़ना भी पड़ेगा। डिजिटल लाइब्रेरी जो है संक्षेप में पढ़ना चाहते हैं जैसे कुछ बच्चे हमारे पास आते हैं सर न्यूज पेपर इंग्लिश होना चाहिए है ना, और कुछ बच्चे डिमांड करते हैं हिंदी रहना चाहिए तो जैसे कि सबका व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईक्यू इंटेलिजेंस क्वोशेंट इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस आईबी इंटेलिजेंस दिस इज आईक्यू आईक्यू लेवल हां इसका फुल फॉर्म इंटेलिजेंस क्वोशेंट सो गिव मी वन डिपेंडेंट फ्री सर यस कि जैसे मान लीजिए हम लोग किसी बच्चे को आप इशू करते हैं किसी किताब को तो एक हफ्ते का टाइम देते हैं पढ़ने के लिए ना, उसके बाद बच्चा अगर नहीं लौटाता तो प्रतिदिन उस पर 5 रुपया फाइन है, जो स्कूल की कमाई है वो बंद हो जाए। नहीं सही है, हमारे पास इसको फॉलो करना पड़ता है, बच्चे क्या करते हैं है ना, मतलब जैसे कि हम 7 दिन से एक्स्ट्रा लगे तो अगला बच्चा कैसे मौका मिला उसके लिए दोस्त सबके लिए काम करते तो रूल रूल इज रूल रूल इज रूल इज रूल ना पहले लॉस हो जाएगा ना स्कूल को लॉस नहीं है 24/7 अगर किसी को एक्सेस मिल जाएगा तो उसको लॉस होगा ना। यस सर। तो उसको तो आप मतलब 365 दिन उसको ओके दिए हैं प्लेटफॉर्म पे तो कभी भी देखो रात में दिन में जब देखना देखो तो 5 रुपया हम काहे के लिए भरने आए तो नहीं अगर डिजिटल तो डिजिटल लाइब्रेरी हमारे पास हो रहा है वही तो लॉस हो जाएगा स्कूल का। हां लॉस तो अपनी जगह पे है, सेटिंग कर दिया जाएगा कि आप किसी को सुनना नहीं चाहिए कैंसिल कर दिया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटी अच्छा होना चाहिए और सिस्टम फंक्शन सिस्टम फंक्शन जो है लाइब्रेरी हॉल का बहुत ही अच्छा फंक्शन होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्सेस सर तो हम बोल सकते हैं आजकल डिजिटल लाइब्रेरी गूगल तो ऑलरेडी सर वो अपने आप में डिजिटल है, सही बात है, डिजिटल से पैदा करता है गूगल के माध्यम से आप लोग कोई भी चीज को एक्सेस यस सर वही है सर रिपोजिटरी। थैंक यू अगर डेटा करप्ट हो जाता है तो यहाँ भी सिस्टम होता है मॉडिफाई का, हाँ मतलब पैकेज होता है उसमें वो इसमें आ जाएगा बेटा आपका उसमें आप फिट कर सकते हैं पूरा सेटिंग पैकेज होता है अगर वो सेटिंग का बैकअप नहीं होगा मॉडिफाई कर सकते हैं वहां पे तो फिर भी कर सकते हैं बिल्कुल, अगर आपका दिमाग कहीं और दिमाग को ही बैकअप कर लग रहा है मैं क्लोनिंग सब सेट एडिट फोटो आ रहा है ना इसमें और एक बात है सर मतलब इट डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट और कुछ बोलते रहे ये बच्चा किस में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा पढ़ने में है ना, मान लीजिए कि फिजिकली पढ़ना चाह रहा है या डिजिटली पढ़ना चाह रहा है या पढ़ना ही नहीं चाह रहा है वो भी देखना पड़ेगा। यस सर। हाँ डिजिटल वो एमएआर होता है ओसीएनसी आते हैं बहुत सारे पैकेज है बहुत सारे मार्क रिकॉग्नाइजर है तो ओसीएनसी जैसे कि हमने किया खुदाबक्स लाइब्रेरी पटना में हमने विजिट के लिए किया था खुदाबक्स लाइब्रेरी बहुत बड़ा है लाइब्रेरी वहाँ विजिट कर रहे तो वहाँ कैटलॉगिंग प्रोसेस था कैटलॉगिंग या कैटलॉग क्या था छोटा सा कार्ड होता है कैटलॉगिंग माध्यम से जो यूजर होते हैं वो बुक को अपने कैटलॉगिंग माध्यम से बुक चूज कर सकते हैं या कैटलॉगिंग होता है वहाँ उस तरह भी मतलब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था अभी अब हो गया वो खुदाबक्स लाइब्रेरी है ना बहुत अच्छा विजिटिंग है।
कम से कम 30 से 25 बजे। ऑनलाइन सिस्टम से क्या होता है कि समय की बचत होगी और पैसा भी बचत होगा। देखिए कि बड़े बड़े शहरों में जो सिटीजन्स पर्सन होते हैं, वरिष्ठ लोग, बूढ़े लोग जो होते हैं, बड़े लाइब्रेरी में स्टडी के लिए जाते हैं। हमने खुदा बक्स में देखा बूढ़े बूढ़े लोग स्टडी कर रहे हैं, है ना। तो मतलब गए तो जैसे अपना घर से गए तो कुछ तो पैसा इन्वेस्ट हुआ होगा, आने जाने में जो भी फेयर है भाड़ा उड़ा लगा होगा, है ना। उसमें ऑनलाइन के माध्यम से घर में बैठे हो सब कुछ मिल जा रहा है, तो यहाँ पैसा की बचत होती है। सब कुछ नहीं है, फैसिलिटी भी खोज रहे हो भैया, फैसिलिटी भी खोज रहे हो, सब कुछ किताबों का क्या है, संग्रह है, जो होता है लिब्रा, मतलब होता है पेड़ का छाल, बाघी से लिखा है लिब्रा, बाघ मतलब पेड़ का छाल होता है, हैं बाघ बोलो भैया 3 मिनट 30 ले जाना भैया, सर बिजनेस का जा रहा है 3 मिनट्स कहां होते हो हैकर रिस्पांसिबल उनके लिए मतलब सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए, सब वेल इन्फॉर्म्ड, है ना। लैक ऑफ यूजर कंफर्ट मटेरियल, किसी चीज की कोई मतलब कमी नहीं होना चाहिए, उचित व्यवस्था कीजिए दाम तब चलेगा जब फुल्ली ऑटोमेटेड कैसे चलेगा। लैक ऑफ एप्रोप्रिएट लाइब्रेरी बजट, लाइब्रेरी बजट हमारे यहाँ 60,000 है, 60,000 का बजट है एनुअल, लेकिन यहाँ तक तो कम से कम 30-40 पहुंच जाता है। जो बजट हमारा है 60,000 का बजट हमारे पास है। टू प्रोवाइड एक्सेस टू रिसोर्सेस, एक्सेस रिसोर्सेस प्रोवाइड कर सकते हैं क्या इसमें?